सो वी वर डूइंग रीफ्रेमिंग द पर्सपेक्टिव, तो उसमें हमने किया था कुछ एग्जांपल्स वी हैड डन, फील द डिफरेंस, कि हमें फील करना है डिफरेंस कि कैसे जब हम इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे सो वी विल फील कि हमारे सिर्फ बोलने से, हमारे सिर्फ सोचने, नजरिया जो हमारा देखने का नजरिया है, अगर हम उसको जरा सा चेंज कर लें तो चीजें कितनी चेंज हो जाएंगी लाइफ में, हमें पेन भी नहीं होगा, हर्ट भी नहीं होगा, एंड वी विल बी एबल टू थिंक पॉजिटिवली. सपोज कि किसी को रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है तो दैट पर्सन सेज आई फेल्ड टेरिबली इन माय लास्ट रिलेशनशिप, तो उसको कितना पेन होगा उसके बारे में ही वो सोचते रहेंगे. एंड इफ दे गो लाइक आई लर्न सो मच फ्रॉम माय पास्ट रिलेशनशिप, आई एम श्योर आई विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन. अगर उसको वो एक लर्निंग की तरह, एक लेसन की तरह से लेंगे तो इट वॉन्ट बी दैट पेनफुल, इनफैक्ट बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही पॉजिटिवली वो आगे बढ़ जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी चेंज आवर पर्सपेक्टिव. हियर आर सम एग्जांपल्स, हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे. लाइक आई एम जॉबलेस, जॉबलेस की जगह हम लोग क्या थिंकिंग रख सकते हैं, आई हैव टाइम टू फिगर आउट व्हाट आई रियली वांट टू डू फॉर अ लिविंग, कि मैं, मेरे पास अब जो खाली टाइम है वो मुझे एक्चुअल में इसलिए मिला है कि मैं एक्चुअल में सोच सकूं कि मुझे लाइफ में करना क्या है, लिविंग के लिए या अदरवाइज भी लाइफ में करना क्या, थॉट्स क्लैरिटी के लिए वो आपको एक फ्री टाइम मिला है. अदरवाइज जब जॉब में होते हैं पीपल आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड बट स्टिल दे डोंट हैव टाइम टू थिंक ऑफ एनीथिंग, तो इसलिए वो आपको टाइम मिला है. आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि टाइम किसी पॉजिटिव चीज के लिए मुझे मिला है एंड आई कैन थिंक ओवर दैट. अब जैसे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ. अब हम लोग ऐसा सोचते रहेंगे तो वी विल फील वेरी एनर्जी लेस, है ना, बहुत ही पैथेटिक सा फील करेंगे. बट इफ आई थिंक लाइक इट्स क्लींजिंग, गिविंग माई बॉडी अ ब्रेक, कि मेरा सिस्टम क्लींज हो रहा है. इवन आपको फीवर होता है, कुछ भी स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बार होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, इट्स ऑल क्लींजिंग ऑफ आर सिस्टम्स. हमारी बॉडी को एक ब्रेक चाहिए होता है, वी टेक रेस्ट, है ना, कुछ अच्छा डाइट लेते हैं, तो दैट इज लाइक गिविंग अ ब्रेक टू आवर बॉडी. द नेक्स्ट इज दैट्स द वे आई एम, लोगों को आप कुछ कहो वो क्या कहते हैं, बड़ा रिजिडिटी से कह देते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं चेंज हो ही नहीं सकता. बट एक पॉजिटिव पर्सन क्या कहेगा, आई कैन लुक फॉर अनदर पर्सपेक्टिव, हाँ मैं इसे दूसरी तरह से देख सकता हूँ, चलो मैं ट्राई करता हूँ दूसरा एक नजरिया लाइफ की तरफ देखने का, मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. देन फ्रॉम आई कांट, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस आई हैव, कि देखो चलो ट्राई करते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसमें से कुछ ट्राई कर लेते हैं. आई कांट की जगह कुछ तो करते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में, प्रॉब्लम को हम लोग चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटी टू ग्रो की तरह से लेंगे, कि कोई भी प्रॉब्लम है हम उसे कैसे लेंगे, कि ये प्रॉब्लम को मैं कैसे ओवरकम करता हूँ या करती हूँ, और वो हमारे लिए ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. देन फेलर को हम लोग कैसे लेंगे, एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. इसके बारे में दे आर लाइक मैनी फोल्ड स्टोरीज, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो जितने वो एक्सपेरिमेंट, कोई उनका एक आधा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता था जो दुनिया को पता चलता था, बट उसके पीछे कम से कम 100 उनके फेलर्स होते थे. फेलर्स क्या होते थे, दे न्यू कि ये चीजें अब मुझे नहीं करनी है, नो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू दिस वे, तो उनके पास डोंट की एक लिस्ट बन जाती थी. वो फेलर नहीं होता था, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस होता कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ठीक है. देन आई हैव टू, या आई शुड से क्या करेंगे, आई हैव टू का क्या मतलब होता है, आई हैव टू का मतलब है कि मुझे करना पड़ रहा है, किसी ने मेरे ऊपर इम्पोज कर दिया, जबरदस्ती की एक फीलिंग है. उसकी जगह हम क्या करेंगे, आई चूज टू, आई विल, कि मैं चूज कर रहा हूं ये एक्शन, मैं डिसाइड कर रहा हूं मैं इसे करूंगा, ठीक है. देन नेक्स्ट एक हमने किया था आई ट्राई. आई ट्राई को तो हमेशा लाइफ से निकाल देना चाहिए, ट्राई की जगह हमेशा क्या बोलेंगे, आई डू. ट्राई वर्ड जहां आ जाता है वहां पर प्रोबेबिलिटी आ जाती है, वहां पर चांसेस की बात होती है, बट जहां पर हम लोग बोलते हैं कि आई डू, तो आई डू का मतलब है नहीं, पक्के तौर पे हम इसे करेंगे ही करेंगे, ठीक है. फिर ऑलवेज
कि ऐसा हमेशा मेरे साथ होता है और होता रहेगा. ऑलवेज की जगह हम लोग करेंगे अंटिल नाउ, कि ऐसा अब तक हुआ था बट आगे की लाइफ मेरे अपने कंट्रोल में है, मैं खुद इसे बना सकता हूँ. अब तक ऐसा हुआ सो हुआ, आगे मैं देख लूंगा कैसे करना है. नेवर, नेवर की जगह समटाइम्स. नो, नेवर ऐसे वर्ड्स यूज ही नहीं करने. उसकी जगह कि हमेशा नहीं, ऐसा कभी कभार हो जाता है. चीजें जरूरी नहीं है कि हमेशा नहीं मिलेंगी, कभी कभार नहीं भी मिल सकती हैं. या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता की जगह कभी कभी मैं ऐसा कर भी सकती हूँ. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं. पर्सपेक्टिव चेंज करने से, नजरिया चीजों को देखने का बदलने से, हमारे जीवन में बहुत से पॉजिटिव बदलाव अपने आप से ऑटोमेटिकली आते हैं. आपको बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, आपकी लाइफ एकदम ऑटो पायलट मोड पे पॉजिटिव साइड चली जाती है. जस्ट एक बार चीजों में पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने का कोशिश करें. ठीक है, सो वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, यू आर व्हाट यू थिंक आई एम. तो हमें इसके लिए एक्शन क्या लेना है? राइट डाउन एटलीस्ट 5 सिचुएशंस इन योर लाइफ दैट यू थॉट वर नेगेटिव. पहले ऐसी 5 चीजें हम लिखेंगे जो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में नेगेटिव है, लेकिन उन मतलब हमें ऐसी 5 चीजें लिखनी है, हाउ एवर विद टाइम यू क्लियरली सॉ दैट यू गॉट समथिंग गुड आउट ऑफ इट. हमें अपने पास्ट की कोई ऐसे 5 इंसिडेंट्स, कोई ऐसी 5 बातें लिखनी है, राइट डाउन करनी है, जो हमें पहले लगा था, शुरू में लगा था कि वो नेगेटिव है, बट एज टाइम पास धीरे से ग्रेजुअली हमें पता चला कि उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई थी. जब हम ऐसी 5 चीजें लिखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा नजरिया चीजों को देखने का लिमिटेड होता है. हम लोग बहुत टोटैलिटी में चीजें नहीं देख पाते हैं, इसलिए वी शुड हैव जस्ट सम पेशेंस. थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, हर चीज को टाइम देना चाहिए, सो वी विल रियलाइज दैट. तो ये हमें इसमें एक्शन लेना है. ठीक है, देन वी कम टू आवर 8th पॉइंट, पेशेंस एंड परसिस्टेंस. सी, सब चीजें एक स्टोरी की तरह से चल रही है, बिल्कुल लाइन में. अभी हम लोगों ने क्या किया, वेट एंड वॉच, तो उसी पर आपका आ गया पेशेंस एंड परसिस्टेंस. थॉमस एल्वा एडिसन के वर्ड्स में, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप. हमारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है, कि हम गिव अप कर देते हैं. द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम. सक्सेस का सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार और ट्राई कर लें, एक बार और ट्राई कर लें. तो बार बार ट्राई करने से हमें सक्सेस मिल ही जाती है. वो पोयम भी आती है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना. तो बहुत मतलब जब हम लोग बार बार ट्राई करते हैं, हमें पता चलता है कि ये चीजों को करने का सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, तो हम लोग डेफिनेटली सक्सीड करते हैं. सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स. ना तो सक्सेस फाइनल होती है, ना ही फेलियर कोई बहुत फेटल होता है. वो सिर्फ कंटिन्यू करने का, चलते रहने का जो हिम्मत होती है ना हमारे अंदर, वो ही काउंट करती है. आई हैव ऑलवेज सीन, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ लाइफ में, लगा कि चीजें आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं, थिंग्स विल बी ऑलवेज लाइक दिस. बट देन जैसे हम लोगों ने अपने आप को हिम्मत से आगे बढ़ाते रहे, चलते रहे, तो चीजें चेंज हो गई, लाइफ में सिचुएशंस चेंज हो गई. तो इसलिए वो जो हिम्मत होती है ना अपने आप को आप देते हैं चलते रहने के लिए, वो बहुत मैटर करती है. The top two habits that will decide between success and failure, between real change and staying in the same place, are patience and perseverance. ठीक है, patience आपकी, कितना सब्र है आपका, खुद को पकड़ कर रखने का, खुद को बांध के रखने का, खुद को चलाते रहने के लिए कितना आप में patience है, वो आपको
आगे लेकर जाता है। लेकिन इसमें वी हैव टू वॉच आउट वन थिंग कि ये जो है ना बार बार ट्राई, कहीं पर एक चीज ये भी समझनी चाहिए कि अगर चीजें बिल्कुल ही काम नहीं करनी है तो वी नीड टू चेंज आवर पाथ ऑल्सो समटाइम्स। तो उसके हमें देखना पड़ता है कि इस रास्ते पे बहुत ज्यादा चलना मुनासिब भी है या नहीं है, ठीक है। तो वो भी हमें अपना माइंड में रखना चाहिए, देखना चाहिए चीजों को, अंडरस्टैंड करना चाहिए बहुत बारीकी से, और अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो पाथ आपके लिए नहीं है, बार बार ट्राई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेशेंस के चक्कर में कहीं स्टक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेशेंस से हमें चलना चाहिए बट अप टू अ लिमिट, और वहां जाकर देखना चाहिए कि अगर चीजें ऐसे नहीं हो रही तो वी हैव टू ट्राई सम अदर पाथ ऑल्सो, ठीक है। तो इसका मतलब परसिस्टेंस, जो लगातार वाला, परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लगातार किसी एक डायरेक्शन में चलना, उसको कंटिन्यूटी देना, ठीक है। तो परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि बस लगातार से चलते रहो, परसिस्टेंस मीन्स परसिस्टेंट टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल, कि अपने गोल की तरफ कम से कम मूवमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। हम लोगों ने अपने पिछले सेशंस में कई जगह पर बार बार किया कि हमारे कुछ जो भी हम लोगों ने गोल्स वाला हमारा सेशन किया था, इफ यू रिमेम्बर, तो हमने उसमें किया था कि मेजरेबल होने चाहिए गोल्स, स्मार्ट गोल्स, आप सबको याद होंगे, हम लोगों ने स्मार्ट गोल्स किए थे, तो उसमें एम से मेजरेबल था, उसका कहीं ना कहीं कोई पैरामीटर होना चाहिए कि आपकी ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वी हैव टू सी कि क्या बात है, कहीं हमें रास्ता चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सब चीजें साथ में ही चलती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें वो देखना पड़ेगा। तो स्मार्ट गोल्स के लिए हमें देखना है कि परसिस्टेंस को कितना रखना है हमें, कितना नहीं। अब नाउ एक्शन प्लान टू द हैबिट ऑफ परसिस्टेंस, कि परसिस्टेंस के इस हैबिट के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। हैव अ क्लियर गोल एंड बर्निंग डिजायर टू अचीव इट। क्लियर गोल कैसे मिलेगा हमें, याद है आप सबको हमारे स्मार्ट गोल्स वाला सेशन, उसको आप वापस देखना। स्मार्ट गोल्स वाला जो हमारा सेशन था वो आपको अपने गोल के बारे में क्लैरिटी देगा। एंड वंस वी हैव आवर गोल क्लियर, तो हमारे अंदर उसको अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर कैसे होती है कि सपोज आप बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे हो, है ना, कोई आपको एकदम से पानी में डुबो दे, तो उस टाइम कितनी डिजायर होती है सांस, ब्रीदिंग के लिए, आप डूब रहे हो और आपको बस एक एक सांस चाहिए होती है कि एक बार कोई मुझे हवा थोड़ी सी दे दे, थोड़ा सा बाहर एक बार निकाल दे, थोड़ा सा मैं ब्रीद कर पाऊं, उसको बर्निंग डिजायर कहते हैं, ठीक है। तो अपने गोल के लिए जब उतनी बर्निंग डिजायर होती है, जब उतनी इंटेंसिटी होती है, तब डेफिनेटली हम लोग वो गोल अचीव कर सकते हैं। देन मेक अ क्लियर प्लान एंड एक्ट ऑन इट विद डेली एक्शन स्टेप्स, ठीक है। अपना प्लान क्लियर होना चाहिए एकदम से, उसमें सारा आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें पूरे एक्शन स्टेप्स आपके डे बाय डे के, वीक बाय वीक के, आपके प्रॉपर एक्शन प्लान्स, एक्शन स्टेप्स होने चाहिए और आपको उन पर एक्ट करना ही करना है। बी इम्यून टू ऑल नेगेटिव एंड डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस। जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, आपको जो हिंडरेंसेस हैं आपके रास्ते में, जो भी आपको डिस्करेज कर रहा है, कोई भी आपके इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके अंदर भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो आपको डिस्करेज कर रही हो, और एक्सटर्नली भी बाहर बहुत से लोग, सिचुएशंस, थिंग्स, बहुत चीजें हो सकती हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हो, तो उन सब के लिए इम्यून हो जाइए। कुछ भी नेगेटिव अपने अंदर मत आने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पे काम करेंगे, ठीक है। हैव अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ वन और मोर पीपल इंक्रीज यू टू एक्ट एंड टू परस्यू योर गोल्स, ठीक है। तो अपना एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना लीजिए, अपनी एक टीम बना लीजिए, हमेशा अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों की टीम क्रिएट कर लीजिए जो आपको इंक्रीज करे कि हाँ काम करो, एक्ट करने के लिए, आपके गोल्स परस्यू करने के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा अपना सेटअप बना लेना चाहिए। कुछ ऐसे लोगों के साथ अपनी टीम बना लीजिए जो सेम गोल की तरफ चल रहे हो, जिनके आपके गोल सेम हो, या कुछ वैसा ही पाथ उन्होंने भी चूज किया हो, कुछ हार्डवर्किंग लोग हो,
जो बहुत पॉजिटिव हो, तो ऐसे लोगों के साथ आप लगातार जब डिस्कशंस करते हैं, सत्संग जो हमारी ये मीटिंग भी है या सत्संग होते हैं, इस तरह का ही एक तरीका होता है उन लोगों के साथ अपना शेयर करने का। और आपस में जब हम लोग वैसे पॉजिटिव बातें करते हैं तो डेफिनेटली हमें अपने गोल्स की तरफ जाने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपनी टीम ऐसी हमें क्रिएट कर लेनी चाहिए, ऐसे लोगों की कंपनी अपने आसपास रखनी चाहिए। देखिए, अब परसिस्टेंस का, अ फ्लावर डज नॉट थिंक ऑफ कंपीटिंग विद अनदर फ्लावर नेक्स्ट टू इट, इट जस्ट ब्लूम्स। कोई भी फूल किसी दूसरे फूल के साथ कंपटीशन रखता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी लाइफ जीता है, अपना ब्लूम करता है। तो अपनी लाइफ खुद से जिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? अब हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, हम अपने साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे क्या? नो, स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना है, हमें लाइफ को जीना है, बहुत ही ब्यूटीफुली जीना है, बट किसी बर्डन की तरह से नहीं। बिकॉज वन बिलीव्स इन वन सेल्फ, वन डजंट ट्राई टू कन्विंस अदर्स। बिकॉज वन इज कंटेंट विद वन सेल्फ, वन डजंट नीड अदर्स अप्रूवल। बिकॉज वन एक्सेप्ट्स वन सेल्फ, द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स हिम और हर। क्योंकि आपका खुद में किसी बात में विश्वास है तो आप दूसरों को उस चीज के लिए कन्विंस करने की ट्राई नहीं करते, दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं करते हो। आप खुद में ही बहुत कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो, तो उसके लिए आपको दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। आपको खुद को ही जज करना है। हमने किया था शुरू में ही, वी आर द डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर ऑफ आर लाइफ। तो हमें किसी और के अप्रूवल्स की, किसी और के अकॉर्डिंग लाइफ की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग सबके साथ चलते हैं, बट अपनी भी लाइफ हमें खुद से जीनी है। अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को पैम्पर करना है। वी हैव बीन कीप डूइंग दिस ऑल अगेन एंड अगेन इन ऑल आर सेशंस कि अपने आप को जरूर टाइम देना है। अपने आप को किल करके, अपने आप को बहुत सेक्रीफाइस करके लाइफ में कुछ मिलता नहीं है। एक एक्सटेंट तक सब कुछ अच्छा होता है दूसरों के लिए करना, बट नॉट बीइंग वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्फ। तो हमें खुद का भी ध्यान रखना है, अपने आप में सेटिस्फाइड रहना है, कंटेंट रहना है। अपना स्पेस खुद को हम खुद देंगे, कोई और हमें हमारा स्पेस देने नहीं आएगा। बिकॉज वन एक्सेप्ट वन सेल्फ, द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट हिम और हर। जब हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे, जब हम खुद में बिलीव करेंगे, तभी तो दुनिया हमें विश्वास करेगी ना, हमें एक्सेप्ट करेगी। सबसे पहले अपना स्पेस, अपनी जगह हमें खुद बनानी है, अपने आप को इम्पोर्टेंस हमें खुद देनी है, तभी कोई और हमें इम्पोर्टेंस देगा। इट्स टाइम यू एक्सेप्ट समथिंग हियर, यू आर नॉट परफेक्ट, यू नेवर विल बी, एंड द बेस्ट थिंग इज यू डोंट हैव टू बी। सो वंस एंड फॉर ऑल, स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। हमेशा क्या लगा रहता है ना हमें कि परफेक्शन चाहिए, सब लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा बोले और हर कोई हमें प्रेज करे। हम बहुत एफर्ट्स करते हैं इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, बट हमेशा ऐसा होता है कि आप कितना भी कर लो, हर कोई आपको प्रेज नहीं करता। पीपल विल कीप फाइंडिंग फॉल्ट्स, लेट देम बी। आप उतना कीजिए जितना आपसे होता है, जितने में आप खुश रह सकते हैं। नो नीड टू बी परफेक्ट, ये कहीं लिखा ही नहीं परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? आप आज एक गोल अचीव करोगे, एक काम करोगे, कल को कोई नया काम होगा, कुछ ना कुछ आगे चलता ही रहेगा। वो परफेक्शन एग्जैक्टली कहीं पर भी बहुत अचीव होती नहीं है। तो अपने आप पर बहुत हार्ड नहीं होना है, हमें करने हैं, हमारे गोल सेट करना है, हमें उनकी तरफ वर्क भी करना है और उसको बहुत ही तरीके से, बहुत ही बारीकी से भी करना है। बट
ऐसा नहीं है कि उस परफेक्शन के चक्कर में हम लोग अपनी पूरी लाइफ ऐसे निकाल देंगे कभी खुश रह ही ना सकें। सो बीइंग हैप्पी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग परफेक्ट। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए परफेक्ट नहीं होने, अगर हमें अंदर से फील होता है कि यस दिस इज द लेवल आई वांट टू अचीव, देन इट्स ओके, उसकी तरफ काम करना चाहिए। बट नॉट दैट कि दूसरे हमें आके कुछ शाबाशी देंगे, उसके लिए बहुत परफेक्शन की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यू हैव टू बी, ठीक है? तो अपने ऊपर बहुत हार्ड होना बंद कीजिए, लाइफ को जीना शुरू कीजिए, खुश रहिए, जहां और जैसे रह सकते हैं बस खुश रहिए। अब देखिए आगे लिखा भी है, दैट डजंट मीन आई डोंट एनालाइज द मेनी मिस्टेक्स आई मेड, इफ आई कैन करेक्ट देम आई डू, इफ आई कांट करेक्ट देम आई एक्सेप्ट देम, लेट गो एंड प्रोमिस माई सेल्फ नॉट टू रिपीट देम। मतलब ये जो मैं कह रही हूँ कि हमें अपने ऊपर हार्ड नहीं होना है, वी डोंट नीड टू बी परफेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फॉल्ट्स, कोई भी मिस्टेक्स नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, उनसे क्या लर्निंग ले सकते हैं। अगर उनको ठीक नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, यस थिंग्स आर लाइक दैट, ठीक है ओके, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, हम इससे सीखते हैं क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, आगे से कैसे करना है, उसको लेट गो करते हैं, उसके लिए कोई गिल्ट नहीं रखते हैं, एंड देन वी प्रॉमिस आवरसेल्फ्स कि ये मिस्टेक्स मैं नहीं करूंगी, और आगे बढ़ जाते हैं, वी डोंट गेट स्टक देयर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं सीखते हैं, वी टेक आवर लर्निंग। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।